पॉली एम्ब्रियोनी पौधों में पाया जाने वाला एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनते हैं, ठीक है। एक ही ओव्यूल के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का बनना पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। मतलब एक से ज़्यादा अर्थात दो या दो से ज़्यादा हों, ठीक है। तो इस घटना ये सबसे पहले ऑरेंज के बीज में देखी गई थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा, और आजकल तो बहुत सारे पौधों में इस घटना को देखा गया है कि यानी एक ही ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं, अर्थात जो बीज बनता है ओव्यूल से तो उस बीज में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो मौजूद देखे गए हैं। इसके टाइप्स में देखते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, ये पहला टाइप है जो कि जिम्नोस्पर्म में मेनली पाया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो पॉली एम्ब्रियोनी होता है ये एक ही जायगोट से सभी एम्ब्रियो बनते हैं, अर्थात एक ही जायगोट से जब डिवीजन के बाद कई सेल स्टेज आती है तो उस समय कुछ कोशिकाएं अलग होकर मतलब एक अलग दिशा में ग्रो करने लगती हैं और एक अलग एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि जायगोट से देखिए दो कोशिका फिर बहुत सारी कोशिकाएं बनी, तो उसमें ये वाला जो रीजन है एक एम्ब्रियो का निर्माण कर रहा है और ये जो अलग से ग्रोथ चालू हुआ वो दूसरे एम्ब्रियो का निर्माण करेगा, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से इसमें दो एम्ब्रियो बन गए जो कि दोनों एक ही जायगोट से बने हैं हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही जायगोट में विभाजन के फलस्वरूप इनका डेवलपमेंट चालू हुआ था, बाद में ये क्लीवेज हो गया। क्लीवेज यानी अलग होना, जिसके कारण से दो अलग अलग एम्ब्रियो के रूप में डेवलप हो गए, ठीक है। तो ये पहला टाइप है, ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादातर किस में पाया जाता है, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी जिम्नोस्पर्म में ज़्यादातर पाया गया है। एंजियोस्पर्म में बहुत रेयर है, बहुत कम ही देखा गया है ये क्लीवेज टाइप का पॉली एम्ब्रियोनी। ये आप पाइनस में इसको देखें तो मिलता है ना, ये जिम्नोस्पर्मिक पौधा है पाइनस, ठीक। तो दूसरा देखते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, पॉज करके इसको आप नोट करते जाइए। दूसरा देखते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम अदर एम्ब्रियो सैक्स इन सेम ओव्यूल। हम जानते हैं कि ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक होते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अदर एम्ब्रियो सैक। इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है एक ही ओव्यूल में, और उस चूँकि हर एम्ब्रियो सैक में एक एक कोशिका होगी जिससे जायगोट बनेगा और फिर वो एम्ब्रियो बनाता है, तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक हैं एक ही ओव्यूल में मतलब सभी एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे, तो इस तरीके की से भी पॉली एम्ब्रियोनी डेवलप हो सकती है। कैसे, आगे देखते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक ओव्यूल है, ठीक है, इसमें ये ऊपर आप एक देख रहे हैं, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ऊपर की ओर क्या होगी, एक कोशिका होगी, ठीक है, यहाँ पर एक कोशिका होगी यहाँ पर, और ये एंटीपोडल सेल्स होंगे, ठीक है। तो एक कोशिका से यहाँ पर इस क्या निर्माण होगा, एक एम्ब्रियो का निर्माण होगा नेचुरली, परंतु इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियो सैक, ये जो देख रहे हैं एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाता है जिसमें भी एक कोशिका होगी और इस कोशिका से भी एक एम्ब्रियो का निर्माण होगा, एक सेल से फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा और उससे एम्ब्रियो का निर्माण होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसमें दो एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे या एक से ज़्यादा एम्ब्रियो, तो इस तरह के जो पॉली एम्ब्रियोनी घटना भी होती है। तो ये दूसरा टाइप होगा जो कि दोनों अलग अलग एम्ब्रियो सेक से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। पहले हमने देखा था एक ही एम्ब्रियो के एक ही जायगोट यानी एक ही एग सेल से जो जायगोट बना है उसी से एम्ब्रियो बनता था ना, तो ये दूसरा टाइप है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा कंडीशन में, एम्ब्रियो सेक की किसी अन्य कोशिका से, इसमें एक ही एम्ब्रियो सेक रहेगा परंतु उसके किसी अन्य कोशिका, अर्थात नॉर्मली किससे बनता है, एग सेल से बनता है जायगोट और एम्ब्रियो डेवलप होता है, परंतु किसी अन्य कोशिका मतलब जो एम्ब्रियो सेक के अंदर दूसरी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे क्या, यहाँ पर हम देखते हैं जैसे एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या कोशिकाएं पाई जाती हैं, सॉरी, एग सेल के अलावा जो अन्य कोशिकाएं हैं क्या क्या कोशिकाएं हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर ये एंटीपोडल सेल से देखिए, सॉरी, एंटीपोडल सेल से एम्ब्रियो डेवलप हुआ है
ये वाला ना, यहाँ पर जो ये दूसरा है, हम जानते हैं कि इधर की ओर एक सेल होता है और दूसरे साइड में क्या होता है, एंटीपोडल सेल्स होती हैं, ठीक है। तो एक अपरेटस की तरफ में सिनर्जिड भी होते हैं हालांकि, तो एंटीपोडल सेल भी कभी कभी एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है। तब इसको हम क्या बोलते हैं, ये तीसरा टाइप कहलाता है ना, ये इससे भी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो सकते हैं, यानी पॉली एम्ब्रियोनी डेवलप हो सकती है। जैसे इसको समझते हैं, जैसे यहाँ पर एक मैंने एम्ब्रियो सैक का चित्र बनाया है, तो इसमें एक कोशिका ये है बीच में, ठीक है। तो एक कोशिका से तो नॉर्मल एम्ब्रियो बनता ही है, उसके अलावा एंटीपोडल कोशिका से भी कभी कभी एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। कुछ पौधों में तो सिनर्जिड कोशिका, सिनर्जिड कहाँ पर रहता है, एक सेल के बगल में, यहाँ यहाँ ये दोनों क्या हैं, सिनर्जिड हैं, है ना, ठीक है। तो सिनर्जिड सेल से भी एम्ब्रियो का निर्माण होता है, कुछ पौधों में देखा गया है। सिनर्जिड सेल से जो एम्ब्रियो का निर्माण होता है वो किसमें देखा गया है, जैसे आर्जिमोन मैक्सिकाना और फैसियोलस वल्गेरिस में अनफर्टिलाइज्ड सिनर्जिड से एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखा गया है, मतलब ये बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो डेवलप होते हैं। एंटीपोडल सेल से भी देखा गया है, ठीक है, कुछ पौधों में देखा गया है। तो ये तीसरा टाइप हो गया, एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड भी कभी कभी कुछ पौधों में एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि जो चौथा टाइप है ये क्या है, एम्ब्रियो डेवलप्स, एम्ब्रियो बनते हैं कहाँ से, फ्रॉम अदर सेल ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस यानी बीजांडकाय, यानी जो ओव्यूल है जिसको हम बीजांड कहते हैं, उसके जो सामान्य कोशिकाएं हैं उसको हम न्यूसेलस कहते हैं। जैसे चित्र में देखें तो यहाँ जो कोशिकाएं हैं ये सब क्या कहलाएंगे, न्यूसेलस, ठीक है। तो ये तो एम्ब्रियो सेक हो गया, यहाँ पर इसमें एक सेल होगी, उससे अगर एक एम्ब्रियो बनेगा, और उसके अलावा जो यहाँ पर कोई भी कोशिकाएं हैं, यहाँ पर इन कोशिकाओं में से कोई अगर एक एम्ब्रियो के रूप में डेवलप होना चालू हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे क्या, ये चौथा टाइप होगा, ठीक है, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो होगा जिसके कारण, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक आप देख रहे हैं ये एम्ब्रियो डेवलप हुआ है, एम्ब्रियो फ्रॉम न्यूसेलस सेल। न्यूसेलस यानी बीजांडकाय की सेल जो होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो सामान्य कोशिकाएं होती हैं। हैप्लॉइड कोशिकाएं केवल कहाँ पर होती हैं, ये होती हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर, ठीक है। तो ये चौथा टाइप हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ इंड्यूस्ड पॉली एम्ब्रियोनी भी देखी गई है, मतलब कुछ हार्मोन्स के प्रभाव में वो नए कुछ ज़्यादा एम्ब्रियो बनने लगते हैं, जिसको एडवेंटिशियस एम्ब्रियो या सुपर न्यूमेररी एम्ब्रियो, एडवेंटिव एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। और आज तो एकदम क्लियर है कि बहुत सारी कोशिकाओं को हमें कैलस में, कैलस के रूप में ग्रो करके, अर्थात टिश्यू कल्चर टेक्निक से, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कैलस ग्रो करते हैं, और उससे हम कुछ हार्मोन्स के प्रभाव से, प्लांट हार्मोन्स के प्रभाव से एम्ब्रियोइड्स का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा किया भी जाता है, प्रैक्टिस में प्रचलन में है, तो एम्ब्रियो का निर्माण होता है इस तरीके। तो ये जो हमने चार प्रकार देखे, इसमें क्या होता है कि नेचुरली ये देखा गया है कि किसी पौधे में दो या दो से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा अगर एम्ब्रियो हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनिक कहते हैं।